बहुत से लोगों ने मिलकर एक बकरे की बलि चढ़ाई। अभी बकरे की आयु पूरी नहीं हुई थी। आयु से पहले मरने के चलते बकरा भूत बन गया और एक बड़े से बकरे में उसकी आत्मा प्रवेश कर गई। अब वो एक भूतिया बकरा बन गया। भूतिया बकरा शहर के सारे बकरों से बहुत ताकतवर था। वो बस नाम का बकरा था, लेकिन शक्ति के मामले में शेर की तरह था। बकरों की बलि को चढ़ता देख वो दुखी था और उसने सोचा, मैं अपने भाइयों की रक्षा करूंगा। इंसान मेरे भाइयों पर बहुत ही जुल्म करते हैं, अब मैं जुल्म को बर्दाश्त नहीं करूंगा। बहुत हो चुका, मेरे बहुत से भाई मारे जा चुके हैं। मैं उनके ऊपर किए हुए अत्याचार का बदला लूंगा और उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। ऐसा मन में सोचकर जहां भी मांस बेचने वालों को देखता वहीं पर रुक जाता। मांस बेचने वालों को अकेला पाते ही वो बकरा उनको मौत के घाट उतार देता। बहुत से कसाईयों को वो बकरा शहर में भी मार चुका था। शहर में बकरे की चर्चा होने लगी कि बकरा शेर की तरह जिधर से भी गुजरता है लोग डर की वजह से भागने लगते हैं। एक दिन वो बकरा एक मंदिर के पास गया। मंदिर के पास बैठकर आराम कर रहा था। वो गर्मी का समय था। बकरा पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तब तक दो चार लोग एक बकरे को टीका लगाकर और माला पहनाकर मंदिर में बलि देने के लिए ले जा रहे थे। जब खूनी बकरे ने यह सब देखा तो क्रोध की वजह से उसकी आंखें लाल हो गईं और बलि देने वाले इंसानों को मारकर मौत के घाट उतार दिया। मेरे भाई, तुम भाग जाओ या फिर मेरे पीछे पीछे चलो। जब तक तुम मेरे साथ रहोगे तब तक कोई भी इंसान तुम्हें छू नहीं सकता। और इतना सुनकर बलि का बकरा खूनी बकरे के साथ हो जाता है। इस तरह बहुत से बलि के बकरों को वो खूनी बकरा बचाता है और बहुत से बलि देने वाले इंसानों को मार देता है। इस तरह उस खूनी बकरे के पीछे बहुत से बकरे चल पड़ते हैं। खूनी बकरे की चर्चा अब पूरे शहर में होने लगती है। लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। कोई कहता है कि जो भी अब बकरों को मारेगा खूनी बकरा आकर उन्हें मारेगा। और इसी डर की वजह से लोग बकरों को मारना बंद कर देते हैं। और एक दिन खूनी बकरा उन सभी बकरों को लेकर पहाड़ों की तरफ जाता है। सभी बकरे रास्ते में जाते समय हरी हरी घासों को चरते जाते हैं और इंसानों से दूर पहाड़ों पर जाकर बस जाते हैं, जहां वे भर पेट घास चरते हैं और नदी में उतर कर पानी पीते हैं। प्रकृति की गोद में सारे बकरे अपने आप को स्वतंत्र महसूस करने लगते हैं और इंसानों का डर उन्हें कभी नहीं सताता। सारे बकरे उस पहाड़ों की वादियों के बीच, उस हरियाली के बीच खुशी और आनंद से जीवन जीने लगते हैं और अंततः उस खूनी बकरे को अपना राजा घोषित कर देते हैं।